अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दावा में आप देखें कि आलिया ने जैसे ही एहसन को गिरफ्तार करने की खबर सुनी तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं कहीं सुम्बुल के साथ गलत तो नहीं कर रहा हूं। फिर जब निशा का ख्याल आया तो लगा नहीं, ये ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। अलमास बेगम को भी तो पता चले। फिर आलियान अलमास बेगम के पास आ जाता है तो वहाँ पर आसिम भी मौजूद होता है। तो आलियान कहता है कि कितनी अजीब सी बात है, आज तुम मेरी तरह की बातें कर रहे हो, मेरी तरह सोच रहे हो, हम दोनों की तकलीफ़ एक ही तरह की है। आसिम दुखी हो जाता है और कहता है कि आलियान एक तरह की नहीं, फ़र्क है, तुम बेगुनाह को सज़ा दे रहे हो, मैं गुनहगार को। आलियान कहता है कि मैं भी गुनहगार को ही सज़ा देना चाहता हूं और अलमास बेगम की तरफ़ देखकर कहता है कि बस फ़र्क इतना है कि मेरे वाला गुनहगार ज़रा डीट है। तो अलमास बेगम को गुस्सा आ जाता है, आज भी वो इतनी ही मगरूर हैं जितनी काल थी। वो कहती हैं कि बकवास बंद करो। उधर एहसन के वालिद एहसन को रहा कराने के लिए पुलिस स्टेशन चले जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर ने बताया कि तुम्हारा बेटा एक नहीं, इससे पहले कई लड़कियों की ज़िंदगियां ख़राब कर चुका है। एक लड़की अपनी माँ के साथ और एक लड़की अपनी बहन के साथ आई थी एहसन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाने, जबकि एहसन का वालिद अपने पैसे की वजह से काफ़ी मगरूर हो चुका है। फिर वो आसिम के घर चला जाता है धमकी देने के लिए। अलमास बेगम अंबर का रिश्ता जिस जगह करना चाहती थी फ़ोन करके रिश्ता पक्का करने की बात करती हैं तो उस औरत ने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारी बेटी का किरदार सारी दुनिया के सामने है, अब हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। जब एहसन का वालिद धमकी देता है तो अलमास बेगम अंबर को समझाती है, उस आदमी के सामने ही अंबर को समझाती है कि आसिम के बारे में सोचो, वही हमारा वाहिद सहारा है, अपने भाई के बारे में सोचो, अपने भाई को बचा लो और रिपोर्ट वापस ले लो। वो आदमी सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर अंबर उस आदमी के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर के सामने आ गई बात करने के लिए, वो कहती है कि मेरे भाई ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो बिल्कुल ठीक है। एहसन का वालिद हैरान रह जाता है कि इस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया। अंबर ये भी बता देती है कि ये शख्स हमें धमकी देता है और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आया ताकि मैं रिपोर्ट वापस ले सकूं, ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो नाज़रीन, यही मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर